वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, आज हम आए हैं सेक्टर 82A। आप सामने देख रहे हैं उधर DLF का अल्टीमा है, इसके अपोजिट एक अलानिक प्रोजेक्ट लेके आया है एम्बियंस स्मॉल 2 के नाम से, जिसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है आपकी करीब 1.5 करोड़ से। इसके अंदर बेनिफिट क्या है लेने का, अभी स्टार्टअप है, हमारे पास यूनिट मिल जाएंगी इसके अंदर, करीब छोटी यूनिट मिल जाएंगी 1.5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट की। एक रिटेल मॉल और रिटेल शॉप्स इसके अंदर सारी चीज़ें, PVR सिनेमा आएगा इसके अंदर, सफायर मॉल इसके बैक साइड वाली रोड पे। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट क्या है, अभी आप दोगे चॉइस की यूनिट में लेगी, जैसे बताया हर प्रोजेक्ट का यही होता है, चॉइस की यूनिट में लेगी। आसपास कोई अच्छा मॉल नहीं है DLF की सोसाइटी के पास, किसी को प्लान करना हो, देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है, अगर आप जूम करके दिखाएंगे थोड़ा सा, तो बेनिफिट ये हो जाता है कि स्टार्टअप में कुछ ना कुछ EOI दो अपना। और इसके अंदर हमारे पास एक चॉइस ये हो जाती है कि पेमेंट प्लान है मोल्ड हो जाता है, 50-50% का हो जाता है, 40-60 होता है। और इसमें एक अच्छी बात यह है, इसके अंदर रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है 12% की। तो रिटर्न देखनी हो या इसके अंदर प्लान करना हो तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। पहले ऐलान कभी भी इसके अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न नहीं प्रोवाइड की है। एक की हो गया, एक मार्क्स हो गया, जो सेक्टर आपका लगता है प्रेजिडेंशियल सेक्टर 106 के वहाँ पर एक उसके अंदर प्रोवाइड की है। और इसी रोड पे आगे जाके ऐलान का एक मर्काडो है सेक्टर 80 के अंदर लगता है, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और मिराकल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, टाइमली डिलीवर करता है प्रोजेक्ट, जो भी कमिटमेंट करता है वो आज तक इन्होंने पूरी की है। ये सामने देखो सारे के सारे, ये देखो ये लैंड कितनी अच्छी, लैंड पार्सल कितना अच्छा है, आसपास हैबिटेशन है, कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों की DLF सिग्नेचर ग्लोबल के कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है, स्मार्ट वर्ल्ड का जेम्स बन रहा है, बेस्ट टेक ग्रैंड स्पा हो गया, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। किसी को प्लान करना हो इसके अंदर बताइएगा, हमें आप EOI प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।